नेतानगरी इज ब्रॉट टू यू बाय माय स्टोर हब, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माय स्टोर ऐप, ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माय स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। इंटरेस्टिंग, नाउ वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु। और तमिलनाडु को लेके पहला सवाल हमारा यही है, वहाँ पे आज के दिन, मतलब ये रिकॉर्डिंग हो रही है जब पोंगल का त्यौहार है, वहाँ एक बी लाइन हमने देखी है सुबह से, जो नामचीन लीडर्स हैं नेशनल पॉलिटिक्स के वहाँ पे हैं, राहुल गांधी वहाँ पे हैं, मोहन भागवत वहाँ RSS से पहुँचे हैं, JP नड्डा, अभी शाम का प्रोग्राम उनका है। बिल्कुल इलेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन इस एक इवेंट को कैप्चर करने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी इन तीनों नेताओं की? सी बेसिकली तमिलनाडु में अभी अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, मई के महीने में चुनाव होंगे, सो इट्स ऑब्वियसली अ बिग इलेक्शन एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न। और 10 साल से DMK वहां से सत्ता से बाहर है, 2011 में हारे थे, 2016 में भी जयललिता से उनकी हार हुई, तो एक तरह से 2021 में ये माना जाता है कि DMK लेड अलायंस कैन कम टू पावर। और अभी आप लोगों से जमीन पर बात करेंगे तो वो बताएंगे कि DMK has the best chance, और वैसे भी लोकसभा चुनाव 2019 के मई के चुनाव में उसमें 39 में से 38 सीटें DMK led alliance ने जीते, तो एक तरह से माना जाता है कि DMK has a good chance to return to power 10 सालों के बाद। लेकिन the big question जैसा आपने पूछा, राहुल गांधी, JP नड्डा, मोहन भागवत, सारे के सारे नेता आज तमिलनाडु में क्यों हैं? क्योंकि भाजपा भी मानती है कि एक तरह से ये मौका है अच्छी टक्कर देने का और तमिलनाडु में अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बनाने का। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि एक तरह से अलायंस बना हुआ है AIDMK के साथ और DMK लेड कांग्रेस अलायंस दूसरी है, तो एक तरह से दो गुटों के बीच में ये चुनौती रहेगी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये बहुत बड़ा चुनाव रहेगा क्योंकि बंगाल में कांग्रेस इज नॉट अ सीरियस प्लेयर, वहां पर TMC और BJP के बीच में चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि DMK के साथ साथ उनका तमिलनाडु में अच्छा चांस है, पुदुचेरी में जहां पर कांग्रेस सत्ता में है उसको वो गढ़ अपने आप को संभालना पड़ेगा 2021 के चुनावों में, केरल में जहां पर हर 5 साल सरकार बदलती है, तो कांग्रेस का मानना होगा कि इस बार ही उनको लेफ्ट को बाहर निकालने का एक मौका है। लेकिन जिस तरह के इलेक्शन रिजल्ट लोकल बॉडी चुनाव में आए दिसंबर 2020 में, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सामने काफी बड़ी चुनौती रहेगी। तो एक तरह से वाइल्ड ही इज गोइंग टू बी इन तमिलनाडु सॉइल इन मदुरई, एक तरह से पैन साउथ के रूप में देखना पड़ेगा, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी, उस तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग। और आप ये ना भूलिए कि राहुल गांधी अभी एक सांसद है केरला से, वायनाड लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से, तो अगर केरला में अगर UDF वापस सत्ता में नहीं आ पाती तो काफी फिंगर पॉइंटिंग की जाएगी राहुल गांधी पर खुद, तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है राहुल गांधी पर खुद जहां तक इन चुनावों का सवाल है पुदुचेरी, केरला और तमिलनाडु को लेकर। सुधीर साहब, आप 2019 की परफॉर्मेंस का जिक्र कर रहे थे, लगभग हर एग्जिट पोल में पिछले विधानसभा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि DMK सत्ता में आएगी और एक वहाँ ट्रेंड भी रहा है शफलिंग का, जैसा केरल में रहा है पिछले कई वर्षों से, अगर हम MGR को छोड़ दें तो कोई ऐसे सत्ता में वापसी नहीं कर पाया है। आज की तारीख में AIADMK का किला कितना कमज़ोर या मजबूत दिख रहा है? लोकसभा चुनाव में वो बुरी तरह हारे हैं, उनका इंटरनल टसल चलता रहा है लगातार पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के बीच, उसके अलावा ये इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि दिल्ली से या सीधे कहें तो BJP से उनकी कॉर्ड खींची जा रही है, सब चीज़ें वहाँ से तय हो रही हैं, चाहे वो उन दोनों के बीच के झगड़े का निपटारा हो या उसके बाद का हो, कौन CM के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा इसको लेकर भी झगड़ा रहा। अब वो उस तरह की स्कीम्स अनाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं जैसी कभी जयललिता करती थी कि 2500 रुपये दिया जाएगा वगैरह, लेकिन कुल मिला के AIDMK इलेक्शन की टर्फ पर अभी कितना कमज़ोर या मजबूत है और BJP का कितना से रहेगा? क्या इसमें और भी अलायंस पार्टनर आ सकते हैं या BJP कमल हासन, रजनीकांत ने तो हालांकि ऐलान कर दिया है, एक दूसरा ही फ्रंट बनाने की कोशिश करेगी जैसे पहले DMDK के साथ किया था विजयकांत के साथ? मुझे मालूम नहीं आप वेदर आपने कोई तमिल फिल्म्स देखी है या तमिल फिल्म्स देखने का शौक रखते हैं, लेकिन द तमिल फिल्म इंडस्ट्री इज क्वाइट अ वाइब्रेंट इंडस्ट्री। लेकिन जिस तरह की राजनीति अब हमको तमिलनाडु में दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई तमिल मूवी भी इस तरह के जो
व्हील्स विद इन व्हील्स को कैप्चर कर पाती है। आपने एआईडीएमके का जिक्र किया, यस जरूर ऐसा है कि एडप्पाडी पड़नीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम के बीच में काफी वाद विवाद हुआ है लीडरशिप क्वेश्चन को लेकर। शशिकला के अभी जेल से बाहर आने की का टाइम आ गया है, तो दैट इज अनदर एलिमेंट। लेकिन अभी जहां तक लीडरशिप का सवाल है, ये सेटल हो गया है कि पड़नीस्वामी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा एआईडीएमके द्वारा। लेकिन टू थ्री फैक्टर्स हियर, लॉट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम एज फार एज एआईडीएमके इज कंसर्न। दूसरी बात ये कि पड़नीस्वामी गाउंडर समुदाय को बिलोंग करते हैं, और ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट भी रहा है, एक माइनस पॉइंट भी रहा है, क्योंकि द परसेप्शन ऑन द ग्राउंड इज दैट ही इज सीन एज अ गाउंडर समुदाय के नेता। उनको एक मुख्यमंत्री के तौर पे ठीक तरह से रेस्पेक्टेबिलिटी अभी भी पैन तमिलनाडु में नहीं मिल पाई है। तो ये एक तरह से एक वीकनेस इसलिए है क्योंकि गाउंडर समुदाय के अगेंस्ट जितने भी समुदाय हैं वे एक तरह से मोबिलाइज हो जाते हैं गाउंडर समुदाय के अगेंस्ट। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तीसरा है द दलित वोट, द शेड्यूल कास्ट वोट। 2019 के चुनाव में ये खास तौर से एन ब्लॉक गया डीएमके लेड अलायंस को। तो अगर डीएमके लेड अलायंस मुस्लिम वोट, क्रिश्चियन वोट, द शेड्यूल कास्ट वोट, शेड्यूल ट्राइब्स वोट को पूरी तरह से कैप्चर कर पाती है और यूथ वोट को भी आकर्षित कर पाती है, तो एआईडीएमके के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। द अदर बिग फैक्टर इज द बीजेपी, भाजपा एक तरह से एक नेगेटिव रहा है जहां तक एआईडीएमके का सवाल है, क्योंकि एक तरह से ये परसेप्शन ऑन द ग्राउंड है कि ये रिमोट कंट्रोल से या बैकसीट ड्राइविंग करने की कोशिश करती है एआईडीएमके को। कोशिश की गई कि रजनीकांत खेमे में आए, एक तरह से किसी तरह से फ्रेंडली अलायंस बने रजनीकांत और एआईडीएमके बीजेपी के बीच में, वह नहीं हुआ। तो एक तरह से थोड़ा सा वीकेंड फ्रंट लगता है एआईडीएमके अभी। और अगर शशिकला आती है और एआईडीएमके के खेमे में किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा होता है, सो ऑल दैट विल लीड टू नॉट ए वेरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ द बीजेपी, ऑन पार्ट ऑफ द एआईडीएमके। जहां तक डीएमके का सवाल है, देयर अलायंस इज प्रीटी मच सॉर्टेड। लोकसभा चुनावों के दौरान ही मई 2019 से पहले ही ये निर्णय कर दिया गया था कि कांग्रेस और बाकी पार्टीज को अभी स्टालिन काफी सारी सीटें देंगे लोकसभा चुनावों के दौरान, जो उन्होंने जीती भी। लेकिन जब असेंबली चुनावों का, विधानसभा चुनावों का टाइम आएगा, तब डीएमके विल टेक द लायंस शेयर। और ये कारण इसलिए है, पिछली बारी 2016 में डीएमके ने कांग्रेस को 41 सीटें दी थी एज पार्ट ऑफ द अलायंस टू फाइट। गुलाम नबी आजाद ने आकर करुणानिधि जी के साथ एक तरह से ये अलायंस को सील किया था, लेकिन 41 में से सिर्फ 8 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। तो जस्ट लाइक हमने देखा बिहार में इस बारी 2020 में, कांग्रेस वॉज सीन एज द पार्टी विच वॉज पुलिंग डाउन द अलायंस। वह गलती इस बारी 2021 में स्टालिन नहीं दोहराएंगे। और इसी वजह से 2019 चुनावों से पहले ही काफी सारे लोकसभा की सीटें कांग्रेस को दी गई थी उनको लड़ने के लिए, और वे उन सीटों पर जीते भी। और ये इस बात पर निर्भर था कि जब विधानसभा चुनाव की बारी आएगी 2021 पे, तब कांग्रेस को 25-30 सीटों से ज्यादा नहीं दी जाएंगी और डीएमके विल एक्चुअली फाइट ऑन दी मेजॉरिटी ऑफ द सीट। सो एक तरह से डीएमके कांग्रेस अलायंस इज एक्चुअली प्रीटी मच इन प्लेस। तीसरा फैक्टर है कमला हासन, और मैं आपको बता दूं, जब भी कमला हासन काफी सारे अर्बन एरियाज में टूर कर रहे हैं, उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन क्या उनकी पार्टी इस इन क्राउड्स को वोटों में तब्दील कर पाती है, सीटों में तब्दील कर पाती है, दैट विल बी ए बिग चैलेंज एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न। और अगर उनको वोट्स मिलते हैं, किसके वोट वो ज्यादा छीनेंगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए मेजर फैक्टर। अगर वो एंटी एआईडीएमके वोट को छीनते हैं, तो नुकसान इसमें डीएमके का हो सकता है। पिछले दिनों एक अजागिरी का भी बयान आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि स्टालिन को किसी भी कीमत पर सीएम नहीं बनने देंगे। पुराने जमाने में जब हम पॉलिटिकल कमेंट्री पढ़ते थे, तो कहा जाता था कि जो मदुरई की बेल्ट है उसमें अजागिरी का होल्ड है। अभी ग्राउंड पर सिचुएशन कैसी है? इज ही अ रेलेवेंट पॉलिटिकल फैक्टर और जस्ट अ फेलो हु कैन क्रिएट पॉलिटिकल रिपल्स बाय हिज स्टेटमेंट, दैट्स इट। अजागिरी बेसिकली इज अ पेपर टाइगर। उनको एक तरह से हाइप किया गया है। वे शक्तिशाली तभी थे जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे, जब डीएमके सत्ता में थी। लेकिन जब सत्ता से बाहर रहती है, अजागिरी का कुछ बोलबाला इवन मदुरई बेल्ट में नहीं चलता है। और जब से वे डीएमके से बाहर निकाल दिए गए हैं, एक तरह से उनका होल्ड ज्यादा नहीं है, उनके ज्यादा सपोर्टर्स भी नहीं है। लेकिन अजागिरी चूंकि वे करुणानिधि के बेटे हैं, तो एक तरह से उसके चलते थोड़ा सा एक वेटेज मिलता है। और अगर वे भाजपा के साथ जुड़ जाते, जैसा कि प्लान बताया जा रहा था, तो एक तरह से एम्बेरसमेंट होता जहां तक स्टालिन और डीएमके के पहले परिवार के लिए होता। लेकिन
मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पूरा जो मुरसोली ट्रस्ट है उसमें काफी धन है, काफी प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर अरगिरी बाहर निकलते हैं तो परिवार के अंदर उनके लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अरगिरी इतना बड़ा कदम जल्दबाजी में उठाएंगे। अगर उनको लगता है कि स्टालिन वापिस डीएमके वापिस सत्ता में आएगी तो वह इस तरह का रिस्क उठाएंगे या नहीं, मुझे नहीं लगता। अरगिरी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कि वह इस तरह का मेजर रिस्क इस स्टेज पर उठाएंगे। एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था टीएस सुधीर साहब कि ऐसा क्या है कि तमिलनाडु में जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है वो इतनी पॉपुलर है और इतनी इफेक्टिव भी है कि वो दैट कैन स्विंग द इलेक्शन, चाहे फ्री मंगलसूत्र, फ्री स्कूटी, फ्री मिक्सी, अभी कमल हासन कह रहे हैं गृहिणियों को वेतन दिलाएंगे, AIADMK कह रहा है 2,500 रुपये देंगे, कोई गन्ना बांट रहा है, कोई शर्ट बांट रहा है, कोई साड़ी, कोई टीवी। तो फ्रीबीज का कल्चर काफी सालों से रहा है, ऑलमोस्ट फॉर द पास्ट 15 years वी हैव सीन इट इन डिफरेंट इलेक्शंस। जयललिता ने किया, करुणा निधि ने किया, फ्री टीवी, फ्री केबल कनेक्शन, फ्री मिक्सी, फ्री ग्राइंडर, ये काफी चलता रहा है और दिस इज पार्ट ऑफ द जो पूरे राजनीतिक माहौल, राजनीतिक कल्चर का ये भाग रहा है जहां तक तमिलनाडु का सवाल है। लेकिन द बिगर फैक्टर इज एक्चुअली इन तमिलनाडु इज द यूज ऑफ मनी पावर, और इस बारी बोथ डीएमके एंड AIADMK आर लोडेड विद मनी। तो मुझे लगता है 2021 का जो चुनाव होगा विल बी द मोस्ट डर्टी इलेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ऑफ मनी अनऑफिशियली, कि लोगों को एक तरह से ब्राइब किया जाएगा कि आप इतने पैसे लीजिए और हमको वोट कीजिए। तो दैट इज इनफैक्ट अ बिगर फैक्टर। यस, फ्रीबीज अनाउंस की जाती हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 1, 2, 3 चीजें ये आपको फ्री में देंगे। दैट हैज बीन पार्ट ऑफ इट, एटलीस्ट वो मैनिफेस्टो में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखते तो हैं। लेकिन द बिगर डेंजर मच मोर देन इन आंध्र प्रदेश, मच मोर देन इन कर्नाटका, मच मोर देन इन तेलंगाना, तमिलनाडु में देखा गया है कि पैसे देकर वोटों को खरीदने का जो चलन है वो मुझे लगता है 2021 में बिल्कुल पीक करेगा और ये चुनावों के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। चलिए सर, एक छोटा सा आखिरी सवाल है। मैं आप दोनों की बातचीत सुन रहा था, सौरभ और आपकी, और मुझे लग रहा था कि कितना अभी सीखना बाकी रहता है। भारी पब्लिक डिमांड पे एक ऐसा पॉपुलर सवाल पूछने की इच्छा है ताकि आपके जरिए हमारे दर्शक जाने। रजनीकांत बिल्कुल आते आते रह गए, क्या ऐसी चीजें हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स उतने अच्छे से देख नहीं पाया उनके इस फैसले के पीछे कि क्यों उन्होंने एकदम मतलब क्रीज से वापस वो लौटे हैं? कहां हमें लग रहा था कि वो पॉलिटिक्स के पॉप स्टार होंगे नए, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि अब नहीं आना चाहते हैं? नो, सी, रजनीकांत काफी पॉपुलर अभिनेता हैं, हम सबको काफी पसंद है उनका स्टाइल, उनका द लेवल ऑफ एक्टिंग, एवरीथिंग इज वेरी पॉपुलर। बट आई थिंक उनको भी ये मालूम था, एंड मुझे लगता था राइट फ्रॉम द बिगनिंग ही वॉज अ वेरी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, वे कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। अगर उनको आना ही होता तब वे 1996 में आ सकते थे और ही कुड हैव एक्चुअली डन अ बिग थिंग तभी। लेकिन 2020 में अभी उनके जो पिछले 5-6 मूवीज को देखें तो none of the movies did very well. So, एक तरह से it's also a lot of hype around रजनीकांत कि रजनीकांत आएंगे and वो जो MGR ने किया, जो NTR ने किया, जो जयललिता ने किया, वो फिर से उनको रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है because अभी circumstances और माहौल काफी अलग है। मुझे लगता है रजनीकांत ने सही निर्णय लिया राजनीति में नहीं आने का, बिकॉज उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, उनके काफी ऑपरेशन हुए हैं, और एक तरह से रजनीकांत इज ऑल्सो नॉट सूटेड फॉर पॉलिटिक्स, वो राजनीति के लिए बिल्कुल ठीक तरह से सूटेड भी नहीं है, क्योंकि एक तरह से सेंसिटिव नेचर, एक सॉफ्ट स्पोकन काइंड ऑफ आदमी है, और अगर वे राजनीति में आते तो हर तरह का कीचड़ उन पर उछाला जाता। और मुझे लगता है रजनीकांत को यह भी एक तरह से समझ में आ गया था कि उनको एक तरह से व्हीकल के रूप में यूज किया जा रहा था भाजपा द्वारा, कि उनके उनके कंधे से गोली चलाई जाए कि रजनीकांत के साथ साथ तो किसी तरह का और इनरोड्स तमिलनाडु के राजनीति में कर पाए। तो मेरा मानना है कि रजनीकांत ने जिस तरह का निर्णय लिया उनके पर्सनल नजरिए से बिल्कुल ठीक था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एंड आई थिंक समवेयर ही ऑल्सो रियलाइज कि अगर वे आते हैं तो वे NTR या MGR नहीं बन सकते, उनका हशर शायद चिरंजीवी या पवन कल्याण जैसा हुआ आंध्र प्रदेश की राजनीति में वैसा हो सकता है। और काफी उनके खुद के फैंस का ये मानना है कि क्या रजनीकांत को 70 साल की उम्र में ये जरूरत है इस तरह के चुनावों में राजनीति में आकर चुनाव लड़ने की, और जब कोविड का चल रहा है अभी तो इस तरह का रिस्क लेने की उनको जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है एज ए रजनीकांत फैन और काफी सारे रजनीकांत फैंस का भी यही मानना है दैट उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया इस समय पर।
चलिए शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कम होता है ऐसा कि दक्षिण से हमें इतने इन्फॉर्म्ड और इतने आर्टिकुलेट लोग मिले हैं जो इतने इन्फॉर्म्ड डिस्कशन हमारे साथ करते हैं। यस इट वाज वेरी इनसाइटफुल। थैंक यू सो मच मिस्टर टी एस सुधीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।